नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है केंद्रीय मंत्री और दलितों के दिग्गज नेता रामविलास पासवान की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चावला सर। आप दिग्गज तो पहले से थे, मैंने देखा आपको वीपी सिंह के साथ, आप सबसे बड़े नेता उनके साथ खड़े हुए, पर अब आप एक उससे ऊपर तरक्की होती है ना राजनीति में, जैसे हम कॉरेस्पॉन्डेंट से एडिटर बन गए, अब आप केंद्रीय मंत्री कब तक रहेंगे? लोग आपका प्राइम मिनिस्टर का नाम चला रहे हैं कि दलित नेता क्यों नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर। जगजीवन आप जब बनना शुरुआत लोगों ने बनने नहीं दिया, जब आपका नाम आ रहा है अब तो लगता है कि चांसेस हैं आपके बनने के, या दलितों के साथ फिर धोखा होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है पहले तो वैकेंसी हो तब तो कोई बने ना, लेकिन अभी तो वैकेंसी है नहीं। नहीं, आज के दिन नहीं है ना, जब चुनाव होगा उसके बाद चुन के आएंगे लोग, तो आपका नाम जैसे बाकी लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है उसमें? चुनाव के बाद तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी ही रहेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार, सरकार किसके नेतृत्व में बनती है उस बात पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी का मान लें तो कांग्रेस पार्टी ने तो ऑलरेडी कहा है कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मनमोहन सिंह रहेंगे। जब आपका नाम आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है अगर आपके नाम? नहीं, नहीं, नाम नाम आने में कोई, लालू जी ने कहा कि बनना चाहिए आपको, नहीं नाम आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाम आने जैसा कि मैंने कहा जब वैकेंसी आएगा तब नाम आएगा तब उसका महत्व होगा। चुनाव के बाद जैसे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ओपन है, नहीं चुनाव के बाद जब आएगा क्वेश्चन ओपन होगा उस समय में नाम कोई प्रपोज करेगा तब ना, तो आपका नाम प्रपोज करेगा तो आप सोचेंगे ना? नहीं, नहीं, जब नाम प्रपोज करेगा तब सोचेंगे ना। हाँ, तो इसका वही लालू जी ने कहा कि नाम हमारा कौन लेगा आप भी वही करें कि नाम भी प्रपोज करेगा तो देंगे, पर दलित नेता का नाम तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना। अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीटें पहले से कम आएंगी और आप लोग सब मिलकर के ज्यादा सीटें ले आएंगे, तो उसमें अगर कोई दलित नेता होगा तो वही आप ही हैं और तो कोई है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अब देखिए एक पार्टी की सरकार तो रहेगी नहीं, अच्छा दो पार्टी की सरकार भी नहीं रहेगी, तो वो तो एक आम सहमति का होगा ना, तो आम सहमति किसके नाम पर होता है तब उसके पास उसके बाद में सोचा जाएगा। तो आपको लगता है आपके खिलाफ है लोग क्या? नहीं नहीं, हमारे खिलाफ में नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं ना। नहीं, अभी तो शरद पवार का नाम भी आ रहा है, तो वही तो हमने कहा कि लोग भी कहते हैं कि लालू जी कहाँ लौट कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरी इच्छा पर इस बार नहीं बनूंगा, उन्होंने ठीक कहा कि क्योंकि इस बार वैकेंसी नहीं है। उनका कहना ये कि दलित को लोग बनने नहीं देते, कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है रूलिंग एलाइट जिसको बोलते हैं, एलीट बोलते हैं, वो लोग किसी दलित को बनने नहीं देना चाहते। अब इस संबंध में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो देखिए चार तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं पूरे वर्ल्ड में। एक डिस्क्रिमिनेशन है रेस के नाम पर, तो रेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, जो काला गोरा के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन था, उसमें सबसे जो ये क्रांतिकारी कदम उठा है वो उठा है अमेरिका में, जो संसार का सबसे शक्तिशाली देश है, और वहाँ ब्लैक्स जिसकी हालत दलित से भी बदतर थी, जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, और आज वो देश का राष्ट्रपति बन गया, तो वहाँ क्या कहते हैं कि एक मोर आया है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है लिंग के नाम पर है, एक है रिलीजन, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन चलते रहते हैं, जो मेजोरिटी में रहता है वो सुपरलेटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, जो माइनॉरिटी में है वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। एक जो है कास्ट के नाम पर जो है डिस्क्रिमिनेशन है, ये जात के नाम पर, और ये सबसे वर्स्ट है, सबसे खराब है, चूंकि आप हर चीज बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, लेकिन कोई जात बदलना चाहे तो जात नहीं बदल सकता है, तो लिंग भी बदल सकते हैं लेकिन जात कोई नहीं बदल सकता है। गांधी जी अभी भी हैं, फिर भी गांधी जी का साथ में जात जुड़ा हुआ है, राम के साथ में जात जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ में जात जुड़ा हुआ है, तो उस परिस्थिति में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो तो कहीं ना कहीं रहता है। और जब उस समय का मौका, चूंकि जगजीवन बाबू का आपने बात कहा, जगजीवन बाबू का मामला 1980 का था और आज कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, हाँ, और 80 का मामला था और आज 30 साल होने के लिए चले हैं, तो 30 साल पहले का भारत और 30 साल के बाद का भारत, उसमें काफी अंतर आ गया है, लोगों के सोच में भी अंतर आ गया है, नई सोशल इंजीनियरिंग भी शुरू हो गई है तो इसलिए जो है हमको ऐसा नहीं लगता है कि कास्ट के नाम पर, कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के कारण कोई आदमी किसी को प्रधानमंत्री बनने से अब रोकेगा, ऐसा हमको नहीं लगता, नहीं लगता है। विकास के कारण नहीं रोक पाएगा आपको लगता है, पर आपने ओबामा का नाम लिया क्योंकि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो बन गया, कई लोग आपको भी समझते हैं कि आप भी ओबामा का एक रूप दिखाई देते हैं उनको, कि राष्ट्रीय लेवल पर आप जो है इतने एक्टिव है कि आप क्यों नहीं वो रूप ले सकते, आप में क्या ऐसे गुण है जिसकी वजह से आपको अभी भी लगता है मैं नहीं बन सकता? नहीं, बनने की बात नहीं है, ओबामा को एक पार्टी ने प्रोजेक्ट किया,
तो कल मान लेते हैं यदि कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी किसी को प्रमोट करेगा तो क्या कहते हैं कि वो बन सकता है। नहीं, अब लालू जी ने तो आपको प्रमोट किया ना। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि लालू जी और हमारी पार्टी दोनों मिलाकर के तो मेजोरिटी में आने वाली नहीं है ना। नहीं आने वाली है, पर जहाँ तो 6-10 आदमी के जो एमपी जो है जिनके पास है वो भी प्रधानमंत्री बन गए। हाँ। गुजरात साहब के साथ कौन था? आपने प्रधानमंत्री बनाया। जब आप लालू जी अगर आप मिल करके सोच लें कि आप बन सकते हैं। नहीं देखिए, तो दलित प्रधानमंत्री भारत का क्यों नहीं बना? हमने कहा दिया कि दलित प्रधानमंत्री बनने में कोई बुराई नहीं है, और ये बात नहीं है कि समय आगे पासवान में कोई मानते हैं कि डिमेरिट्स है या कोई हमारे में कोई चार्जेज है, नहीं बन सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र में है वो बहुमत का राज होता है, और जैसे आपने गुजराल जी की बात कही या मानते हैं कि आपने देवेगौड़ा जी की बात कही, तो उस समय में कांग्रेस के अलावा जो सबसे बड़ी पार्टी थी जनता दल, उसके नुमाइंदे थे दोनों। 60-70 सीटें थी, उसमें क्या फर्क है? काफी चीज होती है, उसके बाद कट के। पर मेरे को लगता नहीं कि इस वक्त ऐसा स्थिति है कि देश के अंदर एक बार दलित प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए, एक मैसेज जाएगा सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, दलित प्रधानमंत्री तो बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये क्या कहते हैं कि जब एक सिचुएशन, जब उस तरह के सिचुएशन आएंगे उस सिचुएशन में उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन सिचुएशन आज है कि नहीं मैं कह नहीं सकता। दलित आएंगे कब आएंगे? आपको अब 60-62 साल की उम्र आपकी भी हो गई है, 40 के आदमी है। मायावती दूसरी दलित नेता है जो आपके थोड़ी 10 साल कम उम्र की है। दलित नेता नेता बनने में कई साल लगते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद काशीराम जी आए, पर कोई नेता बना नहीं। अगर आप बने हैं दो नेता तो बन नहीं सकता, अब क्यों नहीं बनते? आप लोगों की क्या मजबूरी है? इसलिए मैंने कहा ना कि नेता बनना एक अलग चीज है और प्रधानमंत्री बनना एक अलग चीज है। नेता आप अपने क्लेवर से बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका अपना क्लेवर नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए दूसरे का क्लेवर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब मैं ये मान के चलूं रामविलास पासवान नेता तो हैं पर प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, वो पिछलग्गू कांग्रेस के बने रहेंगे, यूपीए के बने रहेंगे। हाँ, पिछलग्गू के लिए। देखिए देखिए, क्रांति दो तरीके से होती है, एक एक छत पर कूदने के से भी क्रांति होती है, एक छत पर कूदने से आत्महत्या भी होती है। तो इसलिए मैं अपने को ये मान करके, यदि मैं आज मान करके चलूं कि मैं भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, तो वो जब आदमी पद के पीछे आत्महत्या समझते हैं, पद के पीछे जब आदमी दौड़ता है तो कुर्सी उससे बहुत दूर भागते रहता है, और जब पद को छोड़ता है तब कुर्सी उसके पीछे दौड़ने लगती है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कल्पना करना आत्महत्या करने की बात होगी? नहीं, आत्महत्या करने की बात नहीं होगी। मैंने जैसा कहा कि अभी का जो जब सिचुएशन आएगा, गीता का एक वाक्य है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान को देखते रहो। तो आप वर्तमान को कब तक देखते रहेंगे? कब तक आपके समय पूरे नहीं होंगे? मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ दलित नेता रामविलास पासवान से। रामविलास जी, आपको लगता क्यों कि आपको 16 सीटें मिलनी चाहिए? किस बेसिस पे कह रहे हैं? अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? 16 सीटें लड़ जाएंगे अपने आप? नहीं, कम्प्रोमाइज नहीं होगा? नहीं, 16 सीट नहीं, यदि 16 सीट हमको नहीं मिलेगा तो हम 40 सीट लड़ेंगे। तो 16 से कम नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे किसी भी हालत में? किसी भी हालत में। कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ देंगे इसके लिए आप? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी को हम किसी को ना छोड़ रहे हैं ना हम किसी को जोड़ रहे हैं। हम तो इतनी बात कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो आज स्ट्रेंथ है बिहार में, और जो लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार है, उस जनाधार के बेस पर लोक जनशक्ति पार्टी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसने फैसला लिया है कि हम 16 सीट पर लड़ेंगे। तो बिहार में आपको लगता है कैसे जीतेंगे आप 16 सीटें? नीतीश कुमार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका इनकी इमेज इतनी अच्छी है। बिहार में इमेज की बात नहीं है, बिहार में सोशल कंपोजिशन है, और सोशल जो कंपोजिशन है, ये जो तीनों क्या कहते हैं कि वोट आरजेडी कांग्रेस और लोजपा, तीनों का जो सोशल बेस है, इस तीनों को सोशल बेस को मिला दीजिए, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन कोई नीतीश कुमार विकास पुरुष कह रहे हैं, उसने विकास किया। कौन जी का विकास किया? हर जगह विकास किया, उसने मेरे आप बना हुआ है। क्या क्या है? क्या मतलब बिहार? बिहार के पास में तो एक नया पैसा नहीं है, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, बिहार में देखिए जो पैसा है वो तो भारत सरकार की तरफ से जा रहा है ना। तो ठीक है, शुरू से जा रहा है ना, पर अब पैसा लग तो रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना। ये बात है ना, तो जो पैसा का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि भारत सरकार का, भारत प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के तहत सड़क बन रही है, तो भारत सरकार का बन रहा है ना, वो कस्टोडियन है ना। तो इसलिए जो है ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जहां तक सोशल कंपोजिशन का सवाल है बिहार में, मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, जो एनडीए का जितना सीट है उतना ही रह जाएगा। नहीं, वो तो आप इसका मतलब लोग मुद्दों पर वोट नहीं करते, जाति पे वोट करेंगे? नहीं, जाति के ऊपर में भी नहीं, मुद्दों के ऊपर में भी वोट करते हैं।
तो रामविलास पासवान का काम किसी से कम है क्या? इसलिए कह रहा हूँ काम कम है तो आप कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग के बेसिस पे। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग समीकरण ऐसे बनेंगे समाज है जिसकी वजह से वोट देंगे। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में सारी चीजों के बावजूद भी ये जो सामाजिक समीकरण है सोशल इंजीनियरिंग है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी दलित पार्टी अपने आप में सत्ता में नहीं आई। अब मायावती को ये तो एक क्रेडिट देंगे ना, एक दलित नेता अपने बलबूते पर सरकार बना लिया यूपी के अंदर, उसका सोचना तरीका अच्छा है। नहीं देखिए तो फार्मूला अच्छा है उसका। नहीं फार्मूला अच्छा नहीं, यदि कमजोरी मायावती के फार्मूला को लें तो कांग्रेस का तो पुराना फार्मूला है। तो कांग्रेस कांग्रेस देखिए ना, कांग्रेस का जो शुरुआती दौर में अभी तक रहा दलित ब्राह्मण मुसलमान, यही कांग्रेस का तो मायावती ने उसको छीन लिया ना। हाँ, तो कोई नया सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं हुआ, लेकिन देखिए उसमें धार नहीं है। एक होता है कि माया, देखिए काशीराम का आपने नाम लिया, काशीराम कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कुछ नहीं बना, लेकिन उन्होंने एक जो एक धार दिया, नारा दिया, तो उसको लोग क्या कहते हैं कि मानने लगे। ये साल भर, दो साल, पांच साल, दस साल तक चलेगा। तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान के इश्यू पर भी होता है, माइनॉरिटी को उस नाम पर पॉलिटिक्स की जाती है, और पाकिस्तान ने अटैक किया, तालिबान से हमारे को खतरा है? नहीं, लेकिन उसमें देखिए उसमें तो एक बात मानना पड़ेगा कि जो यूपीए की सरकार है उसने जो स्ट्रेटेजिकली जितना जो रणनीति बनाई है और जिस रणनीति के तहत उसने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है और पाकिस्तान को हर कदम पर झुकझुक करके और स्वीकार करना पड़ रहा है, मैं समझता हूं कि एनडीए के सरकार के समय में भी फौज को सीमा पर भेज करके उतना बड़ा काम नहीं हुआ जितना यूपीए गवर्नमेंट ने एक रणनीति के तहत जो है पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि आज कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको दिया क्या पाकिस्तान ने? नहीं, पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं। कि हमारे यहाँ ठीक है, हम छह लोगों को पकड़ लिया है। नहीं, लेकिन के सरकार के दौरान भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन एक समय में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका का जो है सो बिल्कुल प्यारा है। आज भारत ने ऐसी नीति बनाई है कि अमेरिका जैसे देश भी पाकिस्तान को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक रहा है। चलिए उस बात पर, आपको लगता नहीं पाकिस्तान के जो वहां पर एटम बम वगैरह पड़े हैं वो किसी गलत हाथों में चले जाए तो हमारे लिए खतरा हो सकता है ना? देखिए असल में देखिए खतरा तो है, खतरा तो न्यूक्लियर पावर हमारे यहाँ तो किसी के गलत हाथ में जा नहीं सकते। हाँ नहीं, उनके इसलिए, जा सकते हैं ना? हाँ, तो इसलिए मान लेते हैं कि इसलिए मैंने कहा कि उसका तरीका ये है कि जो तरीका से भारत रास्ता अपनाया है और हमको इस बात का खुशी है कि तमाम अपोजिशन पार्टी के लोग उससे सहमत हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा राह है जिसको यूपीए गवर्नमेंट ने चुना है कि उसको पूरे देश के दुनिया से आइसोलेट करो और सबके नजर में डाल दो कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। ये सबसे बड़ा कूटनीतिक क्या कहते हैं जीत है यूपीए सरकार की। तो पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर करने में आप सफल नहीं? नहीं नहीं नहीं, यदि हम कहते हैं, यदि हम सिर्फ करवाने में सफल हो गए, हम यदि कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन यही बात अमेरिका कहने लगता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और आज भारत की जो कूटनीतिक चाल है उसके तहत दुनिया का जो है सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क आज ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। अब तो बड़ी बातें कर ली हमने, अब छोटी बातें थोड़ी परिवार की करें। आप इतने बड़े नेता हो गए, हर नेता का इच्छा होता है कि उनके घर में भी राजनीति में लोग जाने चाहिए, पर अपने अपने बेटे को फिल्मों में डाल दिया। उधर अपने देशमुख साहब है, उनका बेटा भी फिल्मों में चला गया। तो एक दलित का बेटा फिल्मों में भी जा रहा है। हाँ, तो एक स्टाइल बदलता है, लाइफस्टाइल आपका बदल रहा है ना? हाँ, नहीं देखिए मैंने आपने ठीक कहा कि मैंने धकेला नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं तो अपने बेटा कहता तुम पॉलिटिक्स में आओ चूंकि वहां तुम्हारा सबसे आसान तो है ना, आसान आसान क्या कहते हैं तरीका है। लेकिन एक बात सही है कि हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन जब उसने कहा का मतलब इस बात को हमारे नॉलेज में आया कि उसका इंटरेस्ट फिल्म में जाने का है तो फिर मैंने उसको पीठा ठोक दिया। मैंने कहा कि बेटा जिस तरीके से हमने गिनीस बुक में नाम अपना दर्ज कराया है तुम भी जाकर के रिकॉर्ड बनाओ अपने फिल्म में, सुपरस्टार बनकर के बनाओ। और हमको खुशी है कि तीन फिल्म उसका जो है इस साल में अक्टूबर में आने वाला है और वो तीनों फिल्म में हीरो का ही रोल क्या कहते हैं कर रहा है। अब कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि रामविलास पासवान अपने बेटा के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। अपने घर में प्रमोट नहीं कर रहे कम से कम। नहीं, हम कर भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, अब उसके अपने जो प्रतिभा के ऊपर में निर्भर करता है कि वहां तो फ्री कॉम्पिटिशन है, वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है दलित के नाम पर। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा पांच ठीके सवाल। पहला सवाल, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का नाम अगर आपका प्रपोज किया गया, आप ना तो नहीं करोगे ना?
हाँ भी नहीं करेंगे ना भी नहीं करेंगे। क्या मतलब ये क्या हुआ ना हाँ या ना? हम देखेंगे कि कितना प्रधानमंत्री का नाम जब आता है उसमें कितना वजन के साथ में रखा जा रहा है। आपको मजाक उड़ाया जा रहा है सीरियस बनाया जा रहा है ये देखेंगे आप। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि तीसरा फंड अगर कोई बना उसमें आप शामिल होंगे कि नहीं? नहीं, तीसरे फंड में नहीं रहेंगे, हम यूपीए के साथ में हैं और यूपीए के साथ में रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको चॉइस मिल जाए एक कॉम्प्रोमाइज में कि बिहार के चीफ मिनिस्टर आपको बना दिया जाए तो दोबारा बनने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिहार का चीफ मिनिस्टर हम बनना पसंद नहीं करेंगे। आप हमेशा सेंटर की राजनीति करें? सेंटर की राजनीति में। अगर राहुल या मनमोहन सिंह में चॉइस हुई कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है तो आप किसके साथ जाएंगे? नहीं, अभी तो ये तय कांग्रेस ने कह दिया है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहेंगे, इसलिए कोई दूसरा चॉइस का तो प्रश्न नहीं उठता है। राहुल अगर अनाउंस किया तो आप सपोर्ट करेंगे ना? नहीं नहीं, कैसे अनाउंस करेगा जब एक बार उन्होंने कह दिया, मनमोहन सिंह ने कह दिया, कई बार कई नेता कहते रहते हैं राहुल के बारे में। किन्हीं के कहने से नहीं होता है, कांग्रेस का स्पोक्समैन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही होंगे, इसलिए अभी तो कहीं बहाली है नहीं, वैकेंसी है नहीं, और वैकेंसी होगी भी तो मनमोहन सिंह के ही नाम से होगी। रामविलास पासवान कभी मायावती के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, क्योंकि मायावती का राह अलग है। हम राजनीति, हम लोग सोशलिस्ट मूवमेंट से हैं, हम आइडियोलॉजी की राजनीति करते हैं, वो हमेशा कास्ट की राजनीति करती है। कभी वो ऊंची जाति को गाली देती है, कभी वक्त आने पर माला पहनाती है, कभी कहेगी ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बाकी ये सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, कभी कहेगी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, तो ब्राह्मण खाली शंख बजाते रहेगा और हाथी बढ़ता जाएगा। तो ये राजनीति हमको पसंद नहीं है, हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति करते हैं। हमारे नेता मधुलमीय थे, ब्राह्मण थे, राजनारायण थे, भूमियार थे, मामा बालेश्वर दयाल थे, SM जोशी थे, ये सारे के सारे ऊंची जाति के थे, लेकिन इन सब लोगों ने एक आइडियोलॉजी की राजनीति किया है जिसमें किसी जात के प्रति द्वेष नहीं है और सब लोग मिलकर के गरीब का पावर टू द पुअर। हम आपसे फिर आएंगे आपके पास, देखेंगे कि आप क्या करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चावला से। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।